अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में हम लोग करेंगे कलेजियन। कलेजियन क्या होता है, इसकी एज इट इज़ डेफिनेशन याद रखनी है। क्रोनिक स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रेन्युलोमा ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, यानी कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है और ग्रेन्युलोमास भी बन रहे होते हैं। कॉज इसकी क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं मेबोमियन ग्लैंड की। जो ओपनिंग है वो बेसिकली आईलिड मार्जिन के ऊपर होती है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो उनकी जो फैटी सिक्रीशन होती है, ऑयली सिक्रीशन होती है, वो अंदर एक्यूमुलेट होती रहती है, जिसकी वजह से एक बाहर की साइड से स्वेलिंग नज़र आती है, जिसको कलेजियन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसे मज़ीद एग्रीवेट करती हैं। ब्लेफ्राइटिस, ब्लेफ्राइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स, और डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें स्किन रैश और आईब्रोज आई लैशेज बेसिकली अफेक्ट होते हैं, ड्राइनेस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इसको एग्रीवेट करती हैं कलेजियन को। फिर पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जो उसकी ओपनिंग है मेबोमियन ग्लैंड की, तो वहाँ पे लिपिड सिक्रीशन सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। लिपिड सिक्रीशन इकट्ठी होगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। उधर सारे एपिथेलॉइडल और जॉइंट सेल्स, बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के जितने भी मीडिएटर्स वगैरह हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। तो प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, वो सारे उस लेशन के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस करती जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि सबसे पहले इसकी ये खास बात है कि ये ज़्यादातर अपर आईलिड में कॉमन है। लोअर आईलिड में भी हो सकता है, लेकिन अपर आईलिड में इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि मेबोमियन ग्लैंड्स का जो काउंट होता है अपर आईलिड में ज़्यादा होता है, 30-40, और लोअर आईलिड में 20-30। फिर ये पेनलेस है। इसको और हॉर्डोलियम को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो ये बात याद रखनी चाहिए कि कलेजियन इज़ पेनलेस। ठीक है, इसके अलावा ये एज अ नोड्यूल प्रेजेंट करता है। अगर हम पेल्पेट करें ना स्किन के ऊपर, तो आपको स्मॉल नोड्यूल नज़र आता है। फिर आ जाते हैं कि अगर हम आईलिड को उठाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि नीचे जो कंजक्टिवा का पोर्शन है वो फ्लैशी नज़र आएगा, क्योंकि अगर ये नोड्यूल बर्स्ट करके कंजक्टिवा से पेनिट्रेट कर चुके तो फ्लैशी मैस के तौर पर प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आ जाते हैं एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म क्यों, क्योंकि हॉर्डोलियम के इसके कलेजियन की वजह से बेसिकली आपकी आंख थोड़ी बंद हो रही है। ठीक है, तो जितनी लाइट अंदर एंटर हो रही है ताकि किसी चीज़ को फोकस किया जा सके प्रॉपरली रेटिना पे, तो वो प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा और उसकी वजह से एस्टिगमेटिज्म हो रहा है। अच्छा, अब हम ये थोड़ी सी इसके क्लिनिकल फीचर्स की फिगर देख लेते हैं। कलेजियन इस तरह से प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक नोड्यूल होगा, ज़्यादातर अपर आईलिड पे होता है, और ये देखें लोअर आईलिड पे भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। फिर ये हमने बात बताई कि अगर हम इसको उठाएंगे तो नीचे जो कंजेक्टिवा से अगर वो बर्स्ट की भी होगी, उसकी मतलब आगे वाली स्टेज होगी जिसमें वो बर्स्ट कर जाएगा थ्रू कंजेक्टिवा, तो वहाँ पे फ्लैशी रेडनेस आपको नज़र आएगी कंजेक्टिवा के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं फेट ऑफ कलेजियन के। कलेजियन बेसिकली किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, तो फेट इसका ये है कि या तो ये खुद ही रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन, खुद ही ख़त्म हो जाएगा बन के, कोई मसला नहीं करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें लिक्विफैक्शन शुरू हो गया, ठीक है, और इसमें सैक बन गया और उस सैक ने अल्टीमेटली सिस्ट बना लिया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी ये चीज़ हो सकती है कि उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो गई है। ठीक है, फाइब्रस मटीरियल इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है कि वो एक अब नोड्यूल बन चुके हैं और वो हार्ड नोड्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। हार्ड नोड्यूल आपको फाइब्रोसिस से भी बन सकता है और कैल्सिफिकेशन के रिजल्ट में भी बन सकता है। ठीक है, फिर पांचवी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका इन्फेक्शन हो जाए और उसमें पस वगैरह आने शुरू हो जाए। उससे अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंजक्टिवा किससे बर्स कर जाएगा और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो फ्लैशी मैस के तौर पर प्रेजेंट करेगा। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। प्टोसिस, प्रोसेस का मतलब है कि आपकी आईलिड की ड्रूपिंग, अंदर की तरफ आईलिड झुक जाती है। क्यों, क्योंकि कलेजियन है ना, उसका वेट इतना होता है कि वो नीचे की तरफ उसको झुका देते हैं। एस्टिगमेटिज्म वही वाली बात है कि आईज पूरी नहीं खुलेंगी, जिसकी वजह से जो कॉर्निया से प्रॉपरली लाइट अंदर जा रही है और चीज़ों को फोकस कर रही है रेटिना के ऊपर, तो वो भी प्रोसेस आपका अफेक्ट हो जाएगा। फिर इसके डीडीज़ पे आ जाते हैं, यानी किस किस चीज़ से इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने। सेबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, सार्कोइड ग्रेन्युलोमा, डर्मल टीबी, फंगल इन्फेक्शन, फॉरन बॉडी ग्रेन्युलोमा, मतलब जितने भी किस्म के ग्रेन्युलोमास वगैरह हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन है, एडिनोमास हैं, उनसे आपने इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में तीन स्टेजेस आते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, एक होता है मेडिकल और एक होता है सर्जिकल। कंजर्वेटिव में क्या करते हैं, वार्म कंप्रेशन, ठीक है, कोई भी वार्म थेरेपी देते हैं और वो आपने दिन में काफ़ी टाइम करनी होती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो सके। दूसरी जो चीज़ है वो टॉपिकल स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन। स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स यूजली अकेले नहीं देते इस कंडीशन में, मिला के देते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तीसरी बात है टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स, ठीक है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स आपने टॉपिकल दे देने, इसी तरह वो जो एंटीबायोटिक जो स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन है वो भी टॉपिकल देना है। फिर मेडिकल में आ जाते हैं, तो मेडिकल में है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन, और कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ट्राई एमिक्लॉन, एक्टिनाइड,
0.1 से 0.2 ml इसकी क्वांटिटी होती है और वो इंट्रालिजनल देते हैं, यानी लेजन के अंदर ही हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सिस्टेमिक या टॉपिकल से इतना ज़ाहिर अब नहीं फ़ायदा हो रहा, तो इंट्रालिजनल उसको डाल देते हैं, ठीक है। और यूजली ये होता है कि 80% तक इस तरह से केसेस ठीक हो जाते हैं इंट्रालिजनल, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। लेकिन अगर नहीं भी ठीक होता तो फिर 2 हफ्ते बाद एक सेकेंड डोज दी जाती है, ठीक है। सपोज़ अगर मल्टीपल क्लेजियन वगैरह भी हैं तो उसमें भी ये काम आती है। फिर अगली जो ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट में वो है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल। सर्जिकल में होता है इंसीजन एंड क्यूरेटिज। इंसीजन एंड क्यूरेटिज और इंसीजन और ड्रेनेज में डिफरेंस ये होता है कि इंसीजन आपने दी और ड्रेन कर लिया सिर्फ उस फ्लूड को या जो भी मटेरियल था उसको कहते हैं INT। इंसीजन एंड क्यूरेटिज का मतलब है कि वो आपने पूरा का पूरा जो कैलेजियन है वही उस तरह से निकाल लिया उसकी सैक, ठीक है। तो इंसीजन एंड क्यूरेटिज करते हैं और इसके लिए वर्टिकल इंसीजन को प्रेफर किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपने जो है वो फिर एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन देना होता है कि दिन में 3 से 4 बार यूज़ करता रहे बंदा, ठीक है, 1 वीक के लिए। उसके बाद एक टर्म है मार्जिनल कैलेजियन। मार्जिनल कैलेजियन बेसिकली क्या होता है कि अभी हमने कहा कि कैलेजियन आपका नॉर्मली जो है वो आईलिड के सब्सटेंस में बनता है, ठीक है, मार्जिन पे नहीं बनता, क्योंकि मीबोमियन ग्लैंड की सिर्फ जो ओपनिंग्स हैं वो उस पर होती हैं। तो अगर ये डक्ट में बने, ठीक है, यानी ओपनिंग अगर ब्लॉक हो रही है आपके मार्जिन से थोड़ा सा दूर आपको प्रेजेंट कर रहा है तो वो कैलेजियन है, ठीक है। मार्जिनल कैलेजियन वो होता है कि अगर डक्ट उसकी इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें वो क्या करेगा कि थोड़ा सा आगे लिड मार्जिन के तौर पर एडिशनल ड्यूल की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। इसकी मैं फिगर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मार्जिनल कैलेजियन ज़्यादा मार्जिन की तरफ होगा, ये वाली फिगर है इसकी, ठीक है, कि ये रेडिश नोड्यूल प्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स मार्जिन, यानी कि डक्ट में भी इसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा कैलेजियन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं, बल्कि एक और बात कि आपके जो मार्जिनल कैलेजियन है उसमें इन्फ्लेमेशन सिर्फ ग्लैंड ऑफ जीस की अकेले भी हो सकती है या फिर मीबोमियन के साथ कंबाइन भी हो सकती है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये हो गया कैलेजियन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हर्डोलियम करते हैं। थैंक यू।